पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में लगने वाली 53वीं प्रदर्शनी में विदेशी ग्राहकों के आने के बाद निर्यातकों में काफी खुशी है। कोरोना काल के बाद लगाई गई इस प्रदर्शनी में इस बार देश भर के 2500 से ज्यादा निर्यातकों ने अपने सजावटी उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं। इन उत्पादों को देखने और इनकी खरीदारी करने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से काफी संख्या में विदेशी ग्राहक पहुंचे हैं। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के संरक्षक और निर्यातक नजमुल इस्लाम ने बताया कि इस बार रिकॉर्ड विदेशी ग्राहक इस प्रदर्शनी में पहुंचे हैं और जिन लोगों ने इस बार प्रदर्शनी में अपने स्टॉल नहीं लगाए थे वो अफसोस जाहिर कर रहे हैं। नजमुल इस्लाम ने भरोसा जताया है कि इस बार प्रदर्शनी में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर बुक किए गए हैं और इस बार जो विदेशी ग्राहक प्रदर्शनी में आए हैं वो पूरी गंभीरता से उत्पादों को देख रहे हैं और ऑर्डर बुक कर रहे हैं। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन का मैं संरक्षक हूँ और एक्सपोर्ट प्रोफेशनल काउंसिल के अंदर मेरी बहुत शुरू से भागीदारी है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि कोरोना के बाद पिछला जो अक्टूबर में फेयर लगा था वो हमने बहुत शॉर्ट पीरियड में किया था और दुनिया में पहला ऐसा शो था जो फिंगल शो हुआ था। उसी के लिए हमने फिर जब फरवरी फेयर आया उसकी तैयारी पूरी की और तैयारी पूरी करने के बाद में हमको इतनी उम्मीद थी शुरू से ही कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बड़ी तादाद में बायर्स को इनविटेशन देंगे, एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे। वही ईपीसीएच ने किया, ईपीसीएच के डायरेक्टर जनरल राकेश कुमार जी की टीम ने, आर के वर्मा जी ने और उनकी पूरी टीम ने शुरू से ही लगातार ये प्रयास किए कि हम इस फेयर को बहुत कामयाब बनाएंगे। उन्होंने पूरे देश की पूरे देश के अंदर जितने भी पूरे फॉरेन कंट्री के एम्बेसी थी उसके अंदर उन्होंने इनविटेशन भेजे और भारत सरकार ने पूरा सहयोग दिया। मैं इसके लिए भारत सरकार के माननीय चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फेयर के लिए इतनी बड़ी छूट ईपीसीएच को दी और ईपीसीएच ने इस फेयर को कामयाब बनाने के लिए हर चंद कोशिश की। कितना बायर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है? देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात होगा पहले दिन बायर की तादाद 2000 के करीब थी और जितने बायर आए हैं वो सीरियस बायर आए हैं, उसके बाद लगातार बढ़ती रही। आज फेयर का चौथा दिन है, जितने भी बायर हैं वो सारे सीरियस हैं और मैं उम्मीद करता हूँ, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि एट द स्पॉट भी बहुत ऑर्डर हुए हैं और इंक्वायरी भी ज़बरदस्त तरीके हैं। जो 2 साल से बायर कभी नहीं आए थे, जो हिंदुस्तान में कभी इंडिया में कभी आए नहीं थे, उन बायरों ने भी इस बार भागीदारी की है। मैं इसके लिए ईपीसीएच की टीम को दोबारा से बधाई देता हूँ और इसमें डायरेक्टर जनरल राकेश कुमार जी, चेयरमैन मोहत्ता जी और उनकी पूरी टीम और सारे सीईओ मेंबर ने बड़ी मेहनत की और जिन लोगों ने स्टॉल नहीं लगाए हैं वो आज इतने पछता रहे हैं, वो आके झांक के देख रहे हैं, बोले हमने बड़ी गलती की नजम साहब, हमें लगाना चाहिए था। मैंने पहले ही बता दिया था कि फेयर इतना बड़ा कामयाब होगा और उसी तरह से फेयर कामयाब हुआ है। कितने का बिजनेस मान के चल रहा है इस बार? देखिए, मेरे हिसाब से तो बिजनेस है एट द स्पॉट कम से कम 5,000 करोड़ के ऑर्डर हुए हैं और बाकी जो उम्मीद है मुझे ऐसा लगता है कि पिछले और फेयर से ज़्यादा इस बार फेयर में ऑर्डर होंगे और इसमें फेयर में ऑर्डर होने के पश्चात लंबी तादाद में लोग एडवांस भी दे रहे हैं और एडवांस की बात भी कर रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये फेयर पूरी तरीके से कामयाब हुआ है और जिन लोगों ने, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, नहीं लगाया वो आज पछता रहे हैं। अगली डेट क्या है? अगली डेट 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर डेट निश्चित की गई है, उसमें बड़ी तादाद में अभी से ही होटल के अंदर बुकिंग शुरू कर दी है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।